तो यार जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आजकल आपका भाई लव एडवाइस इंस्टाग्राम पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। तो और मैंने कहा भी था फ्रेंड कि आपको जो उनसे सवाल पूछने हो आप पूछ सकते हो, उसको पर जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। तो ज्यादातर फ्रेंड लोगों ने ये पूछा कि सर मैं एक लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मगर सर वो मुझसे बड़ी है, तो सर अपने से बड़ी उम्र की लड़की को कैसे इंप्रेस करते हैं, कैसे उसे पटाते हैं, अगर उसकी एज फ्रेंड कम से कम 30 से 35 साल है। तो भैया ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जी हाँ, इस वीडियो में फ्रेंड आपको बताऊंगा फ्रेंड कि इस एज की लड़कियों को कैसे सेट करते हैं, कैसे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं, कैसे उसको अपना प्यार बना लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट की थी। और आपको बता दूं फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा कोई गलत इंटेंस नहीं है, आप लोगों ने पूछा तो मैंने भाई उस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूं। तो भाई इस वीडियो को एकदम सही माध्यम में देखिएगा, ऐसा नहीं कि गलत विचार लेकर जा रहे हो फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी मत सोच रखिएगा। और जिस बंदे का दिल साफ है, जिस बंदे ने सच्चे दिल से प्यार किया है, वो भाई इस वीडियो पे एक प्यार भरा लाइक करे, वरना अगर प्यार नहीं करते अपनी पार्टनर से तो भैया कोई बात नहीं, मत करो लाइक। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर दो, तो 100% है कि वो आपसे सेट हो जाएगी फ्रेंड। जी हाँ, 100% है कि वो आपसे सेट हो जाएगी, करके देख लो, मान जाओगे फ्रेंड आप भी। खैर बढ़ते हैं वीडियो में फ्रेंड, जिसमें नंबर वन पॉइंट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके सामने ज्यादा है मैं स्टाइल मारूंगा, शो अप मारूंगा, उसे रंग बिरंगे अपने कपड़े दिखाऊंगा और उसके बाद उसको अपने पैसे दिखाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर मेरे पास आ जाएगी, तो गलत सोचते हो मेरे भाइयों, गलत सोचते हो। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, अगर आप उसके सामने ज्यादा ही शो अप मार रहे हो, ज्यादा स्टाइल मार रहे हो, तो उसको लगेगा ऐसा कि लड़का कुछ ज्यादा ही फेंकता है। क्यों भाई? क्योंकि वो खेली भी खिलाड़ी रह चुकी है, ठीक है, ट्रेंड हो चुकी है वो, समझ गए हो ना भाई मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, कि वो हर एक चीज से गुजर चुकी है दौर से, उसको पता है कि कौन बंदा शायर होता है और कौन बंदा शो अप मारने वाला है, समझ गए ना। तो आपको इस चीज का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। मगर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आप कैसे दिखो उसके सामने। सबसे पहला काम सिंपल, दिखो डिसेंट, दिखो डिसेंट लुक भी अच्छा होता है, मगर प्यारा लुक, ठीक है, कुछ वैसा टाइप का नहीं, फूकने फाकने वाले टाइप का नहीं जो गंजेड़िया होते हैं, वैसा लुक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब जो दूसरे प्रकार का काम करना है फ्रेंड, कि आपको इनको इंप्रेस करने के लिए सबसे बड़ा काम होता है कि इनकी दिलचस्पी अपने ऊपर लेके आना। जी हाँ, इनके पास फ्रेंड वक्त बहुत सारे होते हैं, इनके साथ बात करने वाला कोई बंदा नहीं होता, इस बीच में अगर इनको कोई बात करने वाला मिल जाता है तो उनके साथ ये बात भी करना चाहती है, मगर वो आप में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो आपसे पट नहीं रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो भी जरा ध्यान से समझ लीजिए मेरे दोस्त। इनकी आप हमदर्दी जीतिए। जी हाँ, हमदर्दी आप कैसे जीत सकते हो? इनकी मुसीबत पड़ने पर मदद करके। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए इनके ऊपर बहुत बड़ी टेंशन आ चुकी है, इनको कुछ करना है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई सिलाई करनी है, तो वो उनके पास धागा नहीं है। अब अगर वो धागा आप अगर मार्केट से ले आते हो ना, तो ये आपसे हद से ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आपसे खुश रहा करेगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप इससे बात करना चाहोगे तो ये आपसे बात भी करना चाहेगी फ्रेंड। अब ये सिर्फ एग्जाम्पल था, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ धागे लेने चले जाओगे, ठीक है भाई। उसको देखो, देखो मैं हर बता फ्रेंड, हर किसी लड़की को पर डे कुछ ना कुछ बात को लेकर के टेंशन होता है, कोई ना कोई ऐसा काम होता है जो कि वो नहीं कर पाती, और वो काम चाहो तो आप कर सकते हो भाई मेरे, बस आपको उसके काम का पता लगाना है। और वो ऐसे होगा कि जब भी वो आपको उदास मिले, जब भी कोई टेंशन में दिखे, आपको तो सिंपली पूछना है, उसे सपोर्ट करना है कि बताओ क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो, या कम से कम इसके नाते बता दो, उसके नाते बता दो, वो पक्का बता देगी आपको। अगर आपने उसका ये हेल्प कर देना फ्रेंड, तो 100% है कि वो आपसे इंप्रेस हो जाएगी। बस आपको मौके की तलाश ढूंढनी है, मौका का इंतजार करना है, और ये मौका आपके पास फ्रेंड एक हफ्ते में कम से कम नहीं भी तो नहीं 10 से 12 बार आएगा, बस आपको सिचुएशन को देख लेना है, समझ गए ना मेरे दोस्त। तो इस मौके का फायदा उठाइए, 100% है कि आपसे इंप्रेस होगी, आपसे पटेगी, समझ गए। अब बात करने वाले दूसरे पॉइंट की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही थोड़ा सस्पेंसफुल है, और ये इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने रिक्वायरमेंट की थी, तो भाई समझ लीजिए इस पॉइंट को भी। इनके लाइफ में ना फ्रेंड कोई ऐसा दोस्त यार नहीं होता जो बहुत ज्यादा खुश रख सके, या फिर जो इनके क्लोज होता है वो ऐसा नहीं होता जो इनको खुश रख सके। तो इनको एक ऐसे बंदों की तलाश होती है जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी रहे, बहुत ज्यादा खुश रहे, अपने लाइफ में फ्यूचर एकदम उनका ब्राइट हो, वैसा अगर बंदा इनको दिखता है तो ये लाइन देना स्टार्ट कर देती है भाई। अब उसको आप मजबूर कैसे कर सकते हो? ये दिखा करके, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी रहता हूँ, मेरे चेहरे पर जितनी बड़ी स्माइल है शायद उतनी बड़ी तो आपके घर में घड़ी भी नहीं होगी। अगर ऐसा आप स्माइल और ऐसे खुशपंथी दिखाते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास अट्रैक्ट होकर आपसे बात करना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके लाइफ में फ्रेंड एक हैप्पी बंदा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप हमेशा खुश रहते हो, उसको ये दर्शाते हो कि मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा हंसता रहता हूँ अपनी लाइफ में, जैसा भी हूँ मैं सेटल हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी फ्रेंड। क्योंकि इनके लाइफ में फ्रेंड ये चीज़ की बहुत ही बड़ी कमी होती है कि इनके पास कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा यार नहीं होता जो इन्हें खुश रख सके। अब खुश रखने से फ्रेंड आप बहुत से मतलब निकाल सकते हो, क्योंकि भैया आप जिसकी बड़ी सोच है वो तो बड़ी बड़ी सोचेगा ही। खुश रखने से मेरा मतलब है उसके चेहरे पर मुस्कान दे सकता हो, ठीक है, जो उनकी जरूरत पड़ने पर हेल्प कर सकता हो, जब भी वो उदास बैठे हो तो उसको मोटिवेट करके उसके चेहरे पर स्माइल ला सकता हो, जब भी वो रो रही हो तो उसके आंसू पोंछ सकता हो। एक ऐसे बंदे की इन्हें हमेशा तलाश रहती है, तो हमेशा इनको फ्रेंड ये दिखाओ कि अपनी लाइफ में आप बहुत सक्सेस हो, आप हमेशा खुश रहते हो, कभी किसी बात को लेकर टेंशन नहीं लेते हो, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आपके पास आती है तो वो आपके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, आप उस मुसीबत को वहीं
सफा कर देते हो। तो समझ गए ना मेरे दोस्त, इस दो तीन पॉइंट को आप फॉलो करिए। जो इस प्रकार की एज की लड़कियां हैं, जो लेडी हैं, आप उसे मिनटों में पटा सकते हो। फ्रेंड अगर आप इस बात को नहीं मान रहे तो भाई इस टिप को अपना के देखिए, आपको 100% मानना ही पड़ेगा। अब अगर आपको और भी कुछ सवाल पूछने हैं तो भैया पूछ लो यार, एक्टिव तो ही आपका भाई, कभी भी आप पूछ सकते हो। अपनी पूरी बात आप कमेंट में कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और सर्चिंग नेम है कैलाश राय 104 इंस्टाग्राम का फ्रेंड। आप चाहो तो फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो, तो कर दो भैया। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा फ्रेंड कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, अगर आपको वीडियो दिल साफ है, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो यार। और भाई बताए आपको, अगर आप चाहते हो कि वो पड़ जाए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर दो फ्रेंड। देखो मिनटों में आपसे वो सेट हो जाएगी। और जिस बंदे ने इसको शेयर किया ना वीडियो को, भैया उनके पीछे तो लड़कियां पीछे ही पड़ जाती है उनके, तो शेयर करके देख लो, आप भी मानोगे इस मेरी बात को। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई का इंस्टाग्राम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।